ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट टेंपल बनने जा रहा है। जो लोग मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, राधा कुंड श्याम कुंड में अपने दीपदान नहीं कर सकते, उनके लिए हमने व्यवस्था यहाँ पे करी है मंदिर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबको स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आए हैं हरे कृष्ण मंदिर कोटा में और यहां पे आज हम दर्शन करने वाले हैं। नया मंदिर बन रहा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है, ठीक है, और आज हम इसके दर्शन करने वाले हैं। ये आपको जो मंदिर मिलेगा वो यहाँ से आप लोग जब कोटा से झालावाड़ रोड की तरफ आओगे और उसके बाद चित्तौड़गढ़ रोड पर जब मुड़ोगे तभी आपको हरे कृष्ण मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो ये चलते हैं हम, और हमारे साथ हैं यहीं के अंकुर शर्मा जी, ये हमें यहाँ का पूरा एक बार विज़िट करवा रहे हैं। तो ये चलते हैं इनके साथ और देखते हैं इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। तो आप दिखाएं कर अंकुर जी। ये देखिए कितना हरे कृष्ण मंदिर, ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल बनने जा रहा है और जयपुर, इसका मेन ब्रांच जयपुर जगतपुरा में है एयरपोर्ट के पीछे। दैट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट टेम्पल इन राजस्थान एंड दिस गोइंग टू बी सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल इन राजस्थान। ओके, ये कब इस्टेब्लिश हुआ सर? ये 2 अप्रैल 2022 को इस्टेब्लिश हुआ है। भूमि पूजन इसका 2 अप्रैल 2022 को हुआ। अच्छा। एंड उसके बाद से प्रथम चरण के कार्य में हमने पहले मंदिर का टेम्पल हॉल तैयार किया है। इसके बाद जैसा आप पीछे देख रहे हैं, संतों के रहने की व्यवस्था और साधना की व्यवस्था है पीछे की तरफ। अच्छा। आगे आइए, आगे का ये देखें, काफ़ी अच्छा है नज़ारा। ये जैसे आप देख रहे हैं सामने, ये टेंपल हॉल तैयार हुआ है अभी प्रथम चरण के कार्य में। काफ़ी अच्छा है। ये हमारी स्टॉल्स हैं, बुक स्टॉल है जिसमें भागवत गीता और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो अभी बच्चे सारी उटपटांग हरकतें कर रहे हैं उनसे कैसे वो बाहर आ सकें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर हमारी बुक्स हैं कुछ, जिसमें भागवत गीता और सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां दी गई हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ, ये इसके बाद ये हमारी यज्ञशाला हवनशाला तैयार हुई है। अच्छा। और उसके बगल में आप जो स्केलेटन देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन, अभी भोजनशाला तैयार हो रही है और इसके पीछे एक रसोई तैयार हो रही है अक्षयपात्र हरे कृष्ण मंदिर की। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए गार्डन एरिया है जी, एंड ये एक पॉन्ड तैयार हुआ है जिसमें कार्तिक मास में हमने पूरे महीने दीपदान करवाए थे 30 दिन। अच्छा जी। जो लोग मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, राधा कुंड श्याम कुंड में अपने दीपदान नहीं कर सकते, उनके लिए हमने व्यवस्था यहाँ पे करी है मंदिर में, ताकि अभी जो कार्तिक मास निकला है उसमें पूरे 30 दिन हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से दीपदान करवाए इसमें, ताकि वो जो वहाँ पे नहीं जा सकते वो यहाँ पे अपनी पूजन अर्चन पूरा कर सकें। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में कितने मंदिर होंगे कुछ बता पाएंगे? 40 टेंपल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में और सभी मेजर सिटीज़ में अवेलेबल हैं। अच्छा। और अप्रोच में है, ठीक है, राजस्थान में, मतलब जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा है और थर्ड और फोर्थ टेंपल उदयपुर और जोधपुर में पाइपलाइन में है। इनका काम स्टार्ट हो गया मंदिर का दोनों का। और सामने भी कुछ है और कुछ सेकंड फेज थर्ड फेज में? सेकंड फेज में ये जो आप गमले आगे का सेक्शन देख रहे हैं स्टैंड के आगे। अच्छा। उस सेक्शन में जो पीछे 4 फ्लोर का टेंपल आपने देखा है बोर्ड पे, हाँ हाँ हाँ, उसका काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक अंडरग्राउंड फ्लोर रहेगा और 3 फ्लोर ऊपर बनेगा। अच्छा अच्छा, ऐसे करके 4 फ्लोर का टेंपल बनेगा ये। चलिए, काफ़ी अच्छा है। अभी इसी का सेकेंड फेज हम और स्टार्ट करने वाले हैं। इसी साइज़ का एक लैंड और पीछे आ रहा है जिसमें गौशाला आएगी, बाहर से आने वाले डिवोटीज के लिए रहने की व्यवस्था होगी। ये दोनों कार्यक्रम वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं, दर्शन करते हैं अंदर। एसेसरी सेक्शन है, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। ये एसेसरी सेक्शन है, इसमें यहाँ पे मंदिर से संबंधित सभी चीज़ें मिलेंगी, जैसे धोती हो गया, कुर्ता हो गया, भगवान की मूर्ति हो गई, तिलक अगरबत्ती, भगवान का इत्र है ठाकुर जी का, तुलसी माला है, चैंटिंग माला है, कामधेनु गाय है, सभी एसेसरीज अवेलेबल हैं। भगवान की फ़ोटो फ्रेम्स, भागवत गीता हिंदी में, इंग्लिश में, सब आप ले सकते हैं यहाँ से।
दूसरा आप ये जो प्रसादम देखेंगे सारा प्रसादम अपने ही टेम्पल में ही बनता है, कोई भी प्रसाद बाहर से लिया हुआ नहीं है, कस्टमाइज्ड ऑर्डर नहीं है, सारा सारा प्रसाद यही बनता है। आरती का समय है यहाँ पे, इन इन समय पे यहाँ पे आरती होती है, आप बिल्कुल आरती के लिए यहाँ पधार सकते हैं। आगे अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ, जैसा आप देख रहे हैं अंदर कीर्तन चल रहा है, श्रद्धालु बैठे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, भगवान की मूर्ति आगे अंदर सामने आपको दर्शन करने के लिए। आइए वापस चलते हैं हम। तो ये था मंदिर का पूरा ओवरव्यू, और अंकुर सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सेंटर डेवलप हो रहा है, बच्चों के लिए सभी के लिए, और एक यहाँ पे अभी हम सैटरडे को प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली भागवत गीता का सेशन रखा जाता है 6:30 to 7:30। जो भी स्टूडेंट्स भागवत गीता का लेक्चर सुनना चाहते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट पे अपने शेड्यूल प्लान करना चाहते हैं वो इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनकी जानकारी उनको नहीं मिल रही है, वो यहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए हैं। यहाँ पे जो संत हैं वो बैठ करके उस भागवत गीता के बारे में, श्लोकों के बारे में उनका पूरा मतलब बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमें अपना सनातन धर्म कैसे फॉलो करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं आज। और सेम सेशन हम फैमिलीज़ के लिए संडे को रखते हैं। अच्छा, मतलब संडे को बच्चे भी आ सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर संडे को फ्री रहते हैं। संडे को बच्चे भी आ सकते हैं, संडे को इसीलिए रखा है फैमिलीज़ का क्योंकि फैमिलीज़ में 7:30 to 8:30 का प्रोग्राम रहता है जो फॉलोड बाय रहता है डिनर के लिए। अच्छा, संडे को भी, और सैटरडे को सेम प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं 6:30 to 7:30 जो भी फॉलोड बाय डिनर रहता है। हाँ, क्योंकि यूजुअली संडे को क्या बच्चे स्टूडेंट फ्री नहीं रह पाते इस वजह से। सर वो सैटरडे को हमने जो रखा है सेशन वो इसलिए उन बच्चों के लिए रखा है जिनकी फैमिलीज नहीं है यहाँ पे। ओके, वो बाहर रहते हैं ठीक है, उनको सिटी से बाहर है मंदिर तो आने में अप्रोच नहीं रहती है, कन्वेंस उनके पास होता नहीं है, इसलिए हम उन्हें डे आवर्स में बुलाना चाहते हैं और डे आवर्स के लिए टाइम रखा है 6:30 to 7:30 का। अच्छा, और जो बच्चे फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं वो संडे को आ सकते हैं फैमिली के साथ में 7:30 to 8:30 के बीच में, तो उनके साथ कन्वेंस का इशू नहीं रहता उस समय, तो इसलिए वो संडे को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? अभी हमने रिसेंटली ये सेशन फिजिक्स वाला में ऑर्गेनाइज किया था स्टूडेंट्स के लिए, इन फ्यूचर अभी हम अन अकेडमी और मोशन के साथ प्लान कर रहे हैं एंड रिलायबल के साथ प्लान कर रहे हैं, जो कमिंग 20th ऑफ फरवरी को ऑर्गेनाइज होगा अन अकेडमी में सेशन। इसी तरह से सेशंस हम रेगुलर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानकारियाँ मिल सकें भागवत गीता के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, और साथ में फैमिलीज़ को भी इस चीज़ की जानकारी मिले। तो जो बच्चे आना चाहते हैं और उनको लोकेशन नहीं मिल रही है, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा आप गूगल पे सिंपल हरे कृष्ण मंदिर कोटा टाइप करेंगे गूगल पे, आपको नेविगेशन मिल जाएगा, आप इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 9784-66-1306। आप 24 आवर्स कभी भी कॉल करके उस पर जानकारी ले सकते हैं, उस पर आपको इसके सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर कहीं किसी तरह से दिक्कत आ रही है आप कॉल कर सकते हैं, चैंटिंग को लेके दिक्कत आ रही है, किसी प्रोडक्ट को लेके दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत है आप कॉल कर सकते हैं, और मंदिर आते हैं बहुत अच्छी बात है। मंदिर के टाइमिंग रहते हैं 5:00 से लेके 12:30 तक, फिर उसके बाद 4:30 से लेके 8:30 तक, इस बीच में आप कभी भी आएँ वेलकम है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने हमें, और
आप लोग जो स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे आना चाह रहे हैं बिल्कुल आ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि कहाँ पे ये मंदिर है ना, तो वहाँ पे नेविगेशन के अकॉर्डिंग आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे सैटरडे और संडे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सैटरडे को यहाँ पे होता है सेशन, और फैमिलीज़ के लिए संडे को होता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।